हाँ भाई मजा आ गया भाई। पर तुम तो बहुत प्रो प्लेयर हो यार भाई, तुमने 18 किल कर चुके हो, दिल खुश कर दिया भाई तुमने। Impressive. हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड गाइस, जंप कर दी थी मिलिट्री वेयर्स एंड आज की ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली, क्योंकि एक बंदा हमारे साथ आया था रैंडम एंड उस रैंडम बंदे के जो रिएक्शन थे ना भाई कमाल के थे। एंड उन रिएक्शनों को सुन सुनकर ना तुम्हारे भाई का ना एकदम लेवल ना ऊपर पहुँच गया था, समझ रहे हो ना, कॉन्फिडेंस एकदम हाई। अभी फिलहाल सामने बंदे उनको बढ़ते हैं। सबसे पहले अब भाई इन दो बंदों में आपस में बुत चल रहा था तो उसी बीच में मैंने फायदा उठाया एंड फिलहाल एक किल मेरे खाते में आ चुका था। अब सही बताऊं ना, यहाँ पर दोनों किल भी मेरे आ सकते थे बट यार जैसे तैसे कुल मिलाकर एक मिला। अभी फिलहाल सामने और भी बंदे, अब मिलिट्री बेस में बहुत सारे बंदे आए थे तो किल तो कई सारे बनने वाले हैं, उसी के साथ मजा भी बहुत आएगा। अभी जो रैंडम बंदा था इसने स्टार्टिंग में तो मतलब कोई अच्छे रिएक्शन दिए नहीं, लेकिन जब तक ना अराइजन पूरे नशे में था। फिलहाल सामने एक फ्री का किल। हाँ तो भाई हम क्या बात कर रहे थे कि भाई अराइजन ना पूरे नशे में था एंड इसकी जो बातें थी ना वो सच में क्रैक कर रही थी एकदम, मतलब एकदम कॉमेडी कर रहा था भाई तगड़ी वाली। तो फिलहाल यहाँ पर एक फ्री का किल मिल गया था एंड दो बंदों को मैंने भर दिया था। अभी पहले बंदे को तो मैंने नोक फिनिश कर दिया बट यार यहाँ ना सीन बहुत ज्यादा खराब बनने वाला है। अब यहाँ ना मैं किस्मत से बचा। अब बोलते हैं ना कि किस्मत क्या होती है, अब यहाँ मुझे पता चला कि किस्मत क्या होती है। अब सही बताऊं मतलब इतनी खतरनाक जगह में नोक हुआ था और इतनी ज्यादा गोलियां मुझे पड़ गई थी पर मुझे भाई विश्वास नहीं हुआ कि मैं यहाँ बचा कैसे। एंड मेरे जो टीममेट्स थे उनके रिएक्शन सुनते रहना एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड वाली वीडियो में आएगा। 21 किल है बट भाई मजा पूरा है। क्या लगा रखा है कब से, 10 भाई ये ले लो, 10 भाई वो ले लो। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा फाइट चल रही है, खूब लठ चल रहा है, खूब बुत चल रहा है बट यार ये बंदा अलग ही कैंपिंग कर रहा था। ये ना ये साइड वाली जो ग्रिल होती है ना इसके बराबर में चिपका हुआ था एंड भाई तब निकलने की कोशिश कर रहा था जब हम लोगों का ध्यान नहीं था। अब जैसे तैसे इसका किस्मत खराब थी, जो भी थी मैं इसके साइड आया। फिलहाल यहाँ से निकले पहुंचे सीधा नोवो। अब भाई नोवो में एंटर होते ही एक बंदा मिल गया एंड पहले तो इसको भरा एंड उसके बाद एक बंदा और जो नोवो की सिटी के अंदर था। डेट मार रहे। अरे क्या गुंडा बने कर रहे तू, चार चार बंदों से अकेला भेड़ रही है। उसकी पेटी बना देता हूँ चमकी। अब ये वाले बंदे को मैंने भरा, मैं चुप इसलिए था क्योंकि भाई इंटरेस्ट और ज्यादा तभी आ रहा था जब तक मैं वॉइस ओवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे बंदे थे ना उनका जो रिएक्शन था अलग ही था। अभी फिलहाल सीधा आए हम लोग अपार्टमेंट और यहाँ बहुत सारे बंदे। फिनिश करवा दिया ना अच्छे खासे लोंडे को, फिनिश करवा दिया रे तूने। मैन करवाया बहुत बार। अब भाई अपार्टमेंट का एक एक हिस्सा ना बंदों से भरा हुआ था। अब भाई यहाँ ना समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, बंदों का इंतजार किया जाए या बंदों को मारा जाए। अब भाई इसी का मैं मतलब थोड़ा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ऊपर नेट कर दूं। मारने जा रहा हूं।
तीन नंबर भाई। अब बम मारने जा रहा था लेकिन बम पर गोलियां पड़ गईं। तो फिलहाल यहाँ मेरा टीममेट मेरे को जैसे तैसे रिवाइव करने आ ही रहा था, बट साले का बटन ही नहीं आया। अब जैसे ही उसका रिवाइव वाला बटन नहीं आया तो भाई ना मेरा सीन इतना ख़राब हो गया था कि भाई ये वाला गेम प्ले भी गया बर्बाद। लेकिन मेरे टीममेट्स यहाँ से जैसे तैसे निकलते हैं, उन्होंने मुझे किया यहाँ पर रिकॉल। एंड रिकॉल करने के बाद अचानक से कितने सारे बंदे यहाँ पर आएंगे ना, एंड भरपूर किल यहाँ पर मिलने वाले हैं। I'm recalling a teammate. Thanks. अब रिकॉल होने से पहले लास्ट टाइम जब मैं यहाँ देख कर गया था तो कुछ नहीं था, एंड भाई जैसे ही ऊपर से मैंने जंप की तो भाई यहाँ तो गाड़ियों पे गाड़ियाँ ठुकी थी और बंदे बंदे चारों तरफ। अब यहाँ जितने भी बंदे थे सारे बंदों को मैंने नॉक फिनिश कर दिया था, एंड कुल मिलाकर यहाँ पर 13 किल मेरे हो चुके थे। एंड मेरा जो एक टीममेट था जो नॉक पड़ा था उसको हम लोगों ने रिवाइव किया है। एंड भाई यहाँ ना अच्छी खासी लूट, ग्रोजा वगैरह, मतलब ना एकदम भरपूर लूट हो गई थी। एंड भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि भाई 13 किल हो गए थे, 17 बंदे अभी बचे हुए थे, 17 में से 4 हम थे। तो कुल मिलाकर जैसे तैसे मैं समझ रहा था कि यहाँ ना मैं 20 किल भी अगर कर पाता हूँ तो वीडियो मज़ेदार हो जाएगी, एंड वही होने वाला है। एंड उस चीज़ का ना चैलेंज भी देने वाला है, जो मेरा रैंडम टीममेट है ना वो मुझको चैलेंज देने वाला है 20 किल करने का। अभी फिलहाल हम यहाँ से निकले एंड सीधा वहीं पहुँचे वापस जहाँ अपार्टमेंट में बंदे थे, एंड उन बंदों को मैं भर पाऊँगा जिन लोगों ने मुझे मारा था। अब क्या उनसे मैं बदला लूँगा? भाई हर बार वही मरते हो, क्या मामला है रे? अब यहाँ इन कमीने बंदों ने ना मेरे 3 नंबर जो रैंडम बंदा था उसको नॉक फिनिश कर दिया था। वो पहले भी यही नॉक फिनिश हुआ था और अब दोबारा भी यही हुआ। तो इस बात का जिक्र हमारे टीम में चल रहा था कि ये जगह कितनी पसंद आ रही है 3 नंबर भाई, जो दो बार एक ही जगह पेटी बना चुके हो। अब फिलहाल जैसे तैसे उस बंदे की निगाह पड़ी मेरे किल्स पर, एंड भाई यहाँ पर ना जैसे मैंने 3 बंदों को एक साथ ख़त्म किया तो उसकी निगाह पड़ी मेरे किल्स पर, एंड उसके बाद जो उसकी तारीफें थी वो ही स्टार्ट। तो फिलहाल सामने 3 बंदे। अब इन तीनों बंदों को खत्म किया, 18 किल मेरे हो चुके थे, एंड भाई जो रैंडम बंदा था उसके रिएक्शन सुनो। हाँ भाई मजा आ गया भाई, तुम तो बहुत प्रो प्लेयर हो यार। इंप्रेसिव, क्या मजाक कर रहे हो रे मियां? भाई तुमने 18 किल कर चुके हो, दिल खुश कर दिया भाई तुमने। इंप्रेसिव, लेकिन भाई ये रिक्वेस्ट नहीं उठाता, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें बीड़ू। भाई वो बड़ा प्लेयर है ना, मेरे को भी 3 महीने लग गए थे इसकी उसमें लोही माने के लिए, आईडी बड़ी करके लाना पड़ा मेरे को, तब बुलाया इसने। ये बोल रहे हो 3 नंबर, भाई आईडी से कुछ होता थोड़ी ना है भाई। वो तो मुझे तो खेलना ही नहीं आता भाई, तुम तो इतना अच्छा खेल रहे हो। एक नंबर एक किल है यार भाई, कहाँ से दिख रहा है तुमको मैं अच्छा खेल रहा हूँ?
भाई ये चार लंबर ने चार किल कर चुके हैं भाई, लंबर के हिसाब से कह रहे हो क्या? चार लंबर भाई क्या बढ़िया था वो। ये क्या पंचिंग लाइन दी है रे तूने, तीन नंबर। हाँ भाई तुम एक किल कर दो खला। तुम्हारे कितने किल थे भाई? तीन थे मेरे, दो थे भाई। अरे रे रे अरे रे रे नहीं नहीं एक एक नंबर प्रो है वही कर देगा। वो तो 18 किल कर चुका है भाई, तीन और मारेगा अभी देख लेना भाई। प्रो प्लेयर है ये, बहुत तगड़ा वाला है भाई। 20 किल कर सकते हो ओके। इस वाले रैंडम बंदे ने मुझे एक चैलेंज टाइप दे दिया था कि भाई मैं 20 किल कर पाऊंगा या नहीं। 18 किल मेरे ऑलरेडी थे, अब भाई सामने बचे हुए थे तीन बंदे, तो फिलहाल सामने से फायर आई। अब भाई इस बंदे को मारते टाइम ना सीन ऐसा बन गया था जैसे कोई एक्शन मूवी चल रही हो, मतलब हवा में आया उसको भरा। तो फिलहाल इस बंदे का एक और टीममेट था जो यहां पर छुपा हुआ था, एंड वो हम लोगों को कैसे दिखा क्योंकि हमने ना चारों तरफ ढूंढा, इधर उधर नेड किया, बट भाई ऐसा लग रहा था कि यहाँ बंदा है नहीं। तभी ना उस बंदे की ना गन की थोड़ी सी पूंछ, मतलब गन की नाल ना दीवार के आर पार हम लोगों को दिखाई दी, एंड वो उस गन की पूंछ नहीं इस बंदे की खराब किस्मत थी जो हम लोगों को दिखाई दे गई थी। अब भाई मैंने तो अपना चैलेंज भी पूरा कर दिया था, अब एक आखिरी बंदा। पैन मार रहे, पैन। तो फाइनली विनर विनर चिकन डिनर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में लिख के जरूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ऑलरेडी आपने कर दी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय श्री राम।